गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलर्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इज देयर द चैप्टर इज रिटन बाय विलियम डगलर्स ही वाज बॉर्न इन मेन मिनेसोटा आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकनॉमिक्स ही स्पैंट टू ईयर्स टीचिंग किया उन्होंने हाई स्कूल इन यकीमा में और फिर टीचिंग के प्रोफेशन से थोड़ा फेडअप हो गए थे एक लीगल करियर स्टार्ट किया है मैट फ्रैंकलिन डी रूज इन येल एंड बिकम उनके एडवाइजर बन गए थे फ्रेंड बन गए थे प्रेसिडेंट के जाने माने एडवोकेट हैं 1975 में रिटायर हुए थे जो ये चैप्टर है ये एग्ज्रिप्ट है एक, 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 एक हिस्सा है एक बुक का जो कि किन्होंने लिखी है विलियम डगलस ने लिखी है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम डगलस ये जो चैप्टर है हमें बताता है विलियम डगलस के ऑटोबायोग्राफिकल नोट है इसमें उनके जब वो एक यंग बॉय थे तो स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बचे थे और वहाँ से उनके मन में एक डर बैठ गया था और उस डर को उन्होंने कैसे ओवरकम किया है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सबसे पहले वी विल थिंक वी विल डिस्कस अबाउट द थीम ऑफ द चैप्टर जो ये चैप्टर है हमें एडवाइज़ करता है रीडर्स को कि जो फियर है द ऑथर एडवाइज हिज रीडर्स टू नॉट लेट फियर डिस्ट्रॉय ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस बट ओवरकम इट बाय फेसिंग इट विद करेज एंड डिटर्मिनेशन हमें अपने डर को पूरे करेज के साथ डिटर्मिनेशन के साथ ओवरकम करना चाहिए ये चैप्टर में भी हमारे uh, हम जब थीम को डिस्कस करते हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट्स सेल्फ हमें डर से डरना चाहिए जो हमारे ऑथर हैं विलियम डगलस क्या कहते हैं ट्राई करें हम कॉन्कर करने की अपने टेरर की जो हमारा जो डर है हमारे अंदर फियर इज़ नॉट स्केरी डर इतना डरावना नहीं होता जो आइडिया ऑफ टेरर है जो हम डर के बारे में सोचते हैं वो हमें डराता है वो एक ऑब्स्टेकल एक बाधा बन जाता है हमारी जिंदगी में एक बड़ी फेमस लाइन है रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे इसीलिए किसी भी बड़े काम को करने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं सेम इज ट्रू विद ह्यूमन बींग्स इट नीड्स कॉन्स्टेंट एफर्ट्स हार्डवर्क स्ट्रांग विल पावर जिससे हम अपनी लाइफ को एक अच्छी शेप दे सकते हैं जो जो हमारी लाइफ है इट्स नॉट अ बैड ऑफ रोजेज रादर फुल ऑफ क्या होती है थॉन्स एंड ऑबस्टेकल्स बहुत सारी बाधाएं होती हैं और वन हैज टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस इन लाइफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है लेकिन जो उन प्रॉब्लम्स के आगे झुकता नहीं है वही क्या है अपने लिए रास्ता बना सकता है विलियम डगलस जो हैं एक जानी मानी सेलिब्रिटी हैं स्विमर हैं एक लेकिन ही वॉज अ बोन्स स्विमर उन्होंने भी एक चाइल्डहुड में मिस एडवेंचर को फेस किया था जिसने क्या किया था उनके दिल में डर पैदा कर दिया था लेकिन अपनी डिटर्मिनेशन से स्ट्रांग विल पावर से उन्होंने अपने इस डर को ओवरकम किया है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे थीम को आप अपने माइंड में रखेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट्सल्फ तो थीम को हम इसको आप बेशक से आप नोट डाउन कर लें ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वी विल डिस्कस अबाउट द समरी फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा जब शुरू होता है डी वाटर जो विलियम डगलस थे वो कुछ चार साल के थे जब वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गए थे और वहाँ पर जो सी था समुद्र था उसकी जो लहरें थी बहुत ओवरपावरिंग थी डरा रही थी डगलास को उनके पिता ने उन्हें गोद में उठाया हुआ था लेकिन डगलास को फिर भी डर लग रहा था क्योंकि लहरों का बहाव बहुत तेज था डगलस को लग रहा था कि ये जो लहरें हैं उसे लपेट कर ले जाएंगी उन्हें बहुत डर लग रहा था लेकिन पिता को पता था कि द चाइल्ड वॉज सेफ उन्हें हंसी भी आ रही थी लेकिन यहाँ से विलियम डगलास को इनिशियल एवर्जन ऑफ़ वाटर पानी के प्रति एक डर बैठ गया था एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है इनिशियल एवर्जन ऑफ वाटर के बारे में जो इनिशियल एवर्जन ऑफ़ वाटर हुआ था वो विलियम डगलस को कहाँ हुआ था जब वो कहाँ गए थे कैलिफोर्निया बीच पर गए थे अब कुछ जब डगलास कुछ 11 ईयर ओल्ड हुए हैं उनका मन हुआ है कि वो स्विमिंग को सीखें उन्होंने अपनी मदर को भी कहा है लेकिन जो वहाँ पास में यकीमा रिवर है वो बहुत ख़तरनाक है माँ ने बताया कि वो कई लोगों की जान ले चुकी है इसलिए यकीमा रिवर के बारे में तो सोचने का फ़ायदा नहीं है और माँ ने बिल्कुल साफ़ मना कर दिया कि यकीमा रिवर में जाकर स्विमिंग नहीं करनी है लेकिन फिर क्या पाया गया वहाँ पर एक वाइम वाई स्विमिंग पूल है ये डिसाइड किया गया कि वाई एम सी ए स्विमिंग पूल क्या है डगलास के लिए सेफ़ है क्यों सेफ़ है उसके कई रीजंस थे पहला तो ये था कि जो वो शैलो एंड से जो था पूल जो पूल था वो टू और थ्री फीट ही डीप था शैलो एंड से और नाइन फीट डीप था वो डीपर एंड से और जो उसका स्लोप था वो भी ग्रेजुअल था धीरे धीरे था तो ये डिसाइड किया गया कि अगर डगलास स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो वो कहाँ से सीख सकते हैं वाई एम सी ए स्विमिंग पूल से सीख सकते हैं और विलियम डगलास ने स्विमिंग को सीखना शुरू कर दिया विलियम डगलास ने क्या अपने लिए क्या खरीदे वाटर विंग्स खरीदे ही वॉज वीक चाइल्ड थे बहुत कमजोर थे स्किनी लेग्स थी उनकी तो उन्हें शर्म आती थी पूल में उतरते हुए लेकिन अपनी सारी हैजिटेशन को एक तरफ रखते हुए क्योंकि वो स्विमिंग सीखना चाहते थे उन्होंने स्विमिंग को सीखना शुरू कर दिया अपनी वाटर विंग्स के साथ वो पुल में उतरते थे और बाकी बच्चों को कॉपी करते हुए उन्होंने क्या किया स्मोक सॉरी स्विमिंग को स्टार्ट कर दिया अब एक दिन क्या हुआ जिस दिन ये मिस एडवेंचर हुआ उस दिन क्या है विलियम डगलस क्या कर रहे थे अकेले बैठे हुए थे पूल में पूल के साइड पर बैठे हुए थे उनको डर भी लग रहा था कि अकेले वो स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाह रहे थे वेट कर रहे थे कि बाकी बच्चे जब आ जाएंगे तब वो स्विमिंग करने के लिए बैठ जाएंगे इतने में ही एक यंग बॉय आया कुछ एटीन ईयर ओल्ड के अराउंड था वो बड़ा ही वेल बिल्ट था एटीन ईयर अराउंड था और स्ट्रॉन्ग था मस्कुलर था और उसने क्या किया मजाक मजाक में विलियम डगलास को गोद में उठाया बैठे हुए थे विलियम डगलास पुल के साइड में और गोद में उठाया और उसी पोजीशन में क्या किया पुल के अंदर डाल दिया विलियम डगलास हैरान रह गए कि अचानक और डाला भी कहाँ डीप एंड की तरफ डाला जो कि कितने फीट गहरा था नौ फीट गहरा था विलियम डगलास डर गए उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें वो नौ फीट उस समय उन्हें नाइन्टी फीट के करीब लग रहे थे लेकिन उन्होंने क्या किया एक प्लान किया कि जैसे ही वो पूल के बॉटम में जाएंगे जोर से क्या करेंगे अपने पैरों को मारेंगे बॉटम को और ऊपर आ जाएंगे और फिर तैरते हुए क्या करेंगे किनारे पर आ जाएंगे विलियम डगलास ने तीन बार ट्राई किया अपने आप को बचाने के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने क्या किया अपनी समंड ऑल ही स्ट्रेंथ अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया बॉटम में पहुंचे जोर से पैर मारे लेकिन ज़्यादा ऊपर तक नहीं आ पाए डर लग रहा है सफोकेटिंग फील कर रहे हैं चिल्लाना चाहते हैं लेकिन चिल्ला भी नहीं पा रहे हैं कोई साउंड उनके मुंह से नहीं निकल पा रही है आईज़ और नोज क्या है बाहर आई हैं थोड़ी सी पानी से लेकिन क्या है कोई सोल्यूशन नहीं है नज़र आ रहा है और अपने आप को बचाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं विलियम डगलस सेकेंड अटैम्प्ट में फिर उन्होंने क्या किया है फिर प्लान किया है कि मैं जाऊंगा बॉटम में जाकर जोर से पैर मारूंगा और वापस ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन इस बार क्या है उनके लंग्स में दर्द हो रहा है उनको चक्कर आ रहा है फील्स डिजी कुछ नहीं कर पा रहे हैं पैराल फील कर रहे हैं उनके पैर स्टिफ हो गए हैं रिजड हो गए हैं और सरफेस तक पहुंचने में भी कामयाब नहीं हो पा रहा है विलियम डगलस थर्ड अटैम्प्ट में फिर एफर्ट करने के लिए सोचा है फिर वही प्लानिंग की है लेकिन इस बार क्या है कुछ नहीं कर पा रहे हैं बेहोश हो रहे हैं आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है अनकॉन्शियस हो गया है विलियम विल्या, डगलास अब जब अनकॉन्शियस स्टेज क्या होती है ब्रेन की जब हमारा ब्रेन भी बंद कर देता है काम को करना तो कोई डर नहीं है कोई टेरर नहीं है कोई पैनिक नहीं है और विलियम डगलास क्या है बेहोश हो गया है और क्या फील हो रहा है जैसे कि मानो वो स्पेस में फ्लॉट कर रहे हूँ और वहाँ पर विलियम डगलस बेहोश हो गए हैं जब विलियम डगलस को बचाया गया है पुल से बाहर निकाला गया है पुल के साइड पर लेटाया गया है उल्टा कर किया गया है उनके स्टमक में जो पानी चला गया उसे निकालने की कोशिश की गई है वॉमिटिंग कर रहा है विलियम डगलस और उस यंग बॉय ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है कि मैं तो सिर्फ क्या कर रहा था मजाक कर रहा था और किसी ने कहा भी कि तुम्हारे मजाक में आज बच्चा मारा जाता अब इस वाईएमसी पुल के जो मिस एडवेंचर के क्या इफेक्ट्स आए हैं विलियम डगलस पे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर है डर गया है विलियम डगलस बुरी तरह से कोई भी एन्जॉय नहीं कर पाता है वाटर एक्टिविटी कैस्केड्स झरनों पर नहीं जा पाता है पैरालाइज्ड फील करता है फिशिंग करने नहीं जा पाता है कैनोइंग नहीं कर पाता कैनोइंग फ्लैट बोट के ऊपर की जाती है नहाने के लिए नहीं जा पाता है रिवर्स के पास स्विमिंग नहीं कर पाता है और उसे बहुत ही पैरालाइज्ड सा फील होता है एंड अल्टीमेटली ही डिसाइडेड कि मुझे अब अपने इस टैरर को दूर करना है तो उन्होंने क्या किया है एक इंस्ट्रक्टर हायर किया है अपने लिए ये पोर्शन भी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है स्विमिंग सीखने के लिए सिक्स मंथ्स तक ट्रेनिंग ली है उस इंस्ट्रक्टर से वो इंस्ट्रक्टर उन्हें फाइव डेज आ वीक सिखाता था डेली एक घंटा सिखाया करता था और इस तरह से उन्होंने क्या उस इंस्ट्रक्टर ने क्या किया उस उसे एक एक्सपर्ट स्विमर बनाया है उसके सारे डर को दूर किया है रोल क्या रहा इंस्ट्रक्टर ने इंस्ट्रक्टर ने कैसे उसे स्विमिंग सिखाई है ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है इंस्ट्रक्टर ने क्या किया है डगलस की कमर पर एक बेल्ट बांध दिया उस बेल्ट को एक रस्सी से अटैच कर दिया गया है और उस रस्सी को क्या है ओवरहेड केबल के साथ क्या है एक पुली से अटैच कर दिया गया पु पुली समझते हैं आप जो कुआं होता है ना कुएं से पानी निकालने के लिए जैसे इस्तेमाल किया जाता तो है उसे पुली कहते हैं तो वो जब आप पानी निकालेंगे कुएं से तो क्या करेंगे धीरे धीरे छोड़ते हैं तो उस सेम ही मेथड अडॉप्ट किया है किसने उस इंस्ट्रक्टर ने उस पुली के साथ रस्सी को जोड़ दिया गया है और धीरे धीरे करके क्या है डगलास को वो पानी के अंदर और गहरा और गहरा छोड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे उसको पानी में इन्हेलेशन और एक्सलेशन सांस लेना और सांस छोड़ना सिखाया गया है और पैरों को किक करना पानी में उसके पैर पैरालाइज हो जाते थे पानी में ये सब चीज़ें छः महीनों तक क्या किया है विलियम डगलस को स्विमर बनाया गया है सिखाया गया है लेकिन अब यहाँ पर क्या कहते हैं विलियम डगलस क्या कहते हैं द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड बट आई वॉजेंट इंस्ट्रक्टर का काम यहाँ ख़त्म हो गया है लेकिन अभी मेरा नहीं हुआ है तो उन्होंने फिर प्रैक्टिस की है बहुत सारी जगहों पर गए हैं लेक वेंटवर्थ में गए हैं हेम्पशायर में वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस की है ट्रिगर आइलैंड पे गए हैं वाम लेक में गए हैं और बहुत सारी जगहों पर जाकर उन्होंने क्या है अपनी प्रैक्टिस की है और एक बार डरने उनके दिल में झांकने की भी कोशिश की है लेकिन क्या कहा है मिस्टर टेरर अब आप मुझे डरा नहीं सकते अंत में लास्ट में हम क्या देखते हैं कि विलियम डगलस ने ओवरकम कर लिया अपने इस चरर को अपने इस चाइल्डहुड फियर को जो एक्सपीरियंस ऑफ था फियर ऑफ डेथ का वो ज़्यादा हॉरीबल था फियर ऑफ़ डेथ इज मोर हॉरीबल देन द डेथ इज कि जो मौत से पहले का डर होता है वो ज़्यादा डरावना होता है डेथ तो पीसफुल होती है हमें शांति देती है डेथ में कोई दर्द नहीं होता लेकिन उससे पहले जिस फियर को हम फेस करते हैं वो ज़्यादा टॉर्चर करता है और इस डर को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने टेरर को फेस किया हो और उसे कॉन्कर जीता हो विलियम डगलर्स क्या कहते हैं मैंने थीम में भी आपको बताया है कि वन मस्ट एनकाउंटर ऑल स्टेकल्स हमें अपनी लाइफ में सारी बाधाओं को दूर करना चाहिए सारे टेरर को जीतने की कोशिश करनी चाहिए अपनी स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ अपनी विल पार के साथ अपने एफर्ट्स के साथ और अल्टीमेटली सक्सेस आपकी ही होगी तो बेटा जी मैंने आपको थीम बता दी है समरी बता दी है और ये हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमारे थर्ड चैप्टर के डीप वाटर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करना चाहिए ये ट्वेल्व क्वेश्चंस हैं जो आप तैयार करेंगे इनको अच्छे से इसके अलावा ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन हैं ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये भी हमें तैयार करने चाहिए लेकिन जो इससे पहले जो ये ये क्वेश्चन हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो ये एडिशनल क्वेश्चन हैं ये थोड़े कम इम्पॉर्टेंट हैं इन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इन्हें हम छोड़ दें जिन बच्चों का टारगेट होता है कि हमें 90 प्लस लेना है 95 लेना है उन्हें इन क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करना चाहिए ये हमारे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलर्स ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनफैक्ट लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड है हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्क्रट द ओल्ड टेरर वो बहुत सारी जगहों पर गया था वहाँ जाकर उसने स्विमिंग की थी और फिर इसने फाइनल किया था कि अब उसके मन में कोई भी डर नहीं है थर्ड क्वेश्चन है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट जब बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द चैप्टर थी जहाँ मैंने थीम को डिस्कस किया था वहाँ से तैयार हो जाएगा ये क्वेश्चन रूजवेल्ट की लाइन है ये ऑल वी हैव टू इज फियर इट्सल्फ डिस्क्राइब डगलस एक्सपीरियंस विच लेड टू द मेकिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट ये आप जो हमारी बिगनिंग में थीम थी वहाँ से तैयार करें ये फोर्थ क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट uh, है वट इज़ द फाउंडेशन ऑफ फियर हाउ वुड यू ओवरकम फियर डिस्कस इन डिटेल मैंने थीम में इसको डिस्कस किया है हाँ जी ये रहा हमारा थीम है ये दथर एडवाइज़ इज द रीडर यहाँ से आप इसे बड़े आराम से कंफर्टेबली लास्ट के टू क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से हमारी समरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर डालूंगी अच्छे बच्चों को चैप्टर भी बहुत अच्छे से ज़रूर समझना चाहिए स्पेशली उन लाइंस को जिनको मैं कहती हूँ कि इन लाइन्स को अंडरलाइन कर लें उन्हें ज़रूर अच्छे से करें और तैयार करें थैंक यू